नमस्कार, आज हम आपके सामने बनाएंगे सूजी के अप्पे। ये बहुत ही लाइट टेस्टी ब्रेकफास्ट है। सूजी के अप्पे बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी और हम इसमें डालेंगे बहुत ही बारीक कटी हुई आधी कटोरी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर। आप चाहें तो इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। इसमें हम लेंगे एक बड़ा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही या फिर ज़रूरत के हिसाब से, और फिर सब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार या आधा चम्मच, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हम लेंगे आधी चम्मच काली मिर्च बारीक पीसी हुई, गरम मसाला आधा चम्मच से कम। अब इस सारे पेस्ट को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीनी के दाने। चीनी के दानों से अप्पों का टेस्ट दुगना हो जाता है। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें आवश्यकता अनुसार पानी, और इन सब चीज़ों को हम मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए तड़का। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, और फिर घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच साबुत राई, करी पत्ता जिसे मैंने धोकर बारीक काट लिया है, और कुछ लाल मिर्च। अब हम इस तड़के को इसमें डालकर चला लेंगे। अब हम अपने स्टैंड में लगाएंगे कुछ तेल इस तरह से, और इसमें ये पेस्ट हम धीरे धीरे डाल देंगे सब में। अब हम इसे 2 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे, थोड़ी सी आंच करेंगे और इसे ढक्कन से इस तरह से ढक देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा इनको एक तरफ से सिकने में। अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। अब हम इन्हें सभी को इस तरह से पलट देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये पलटे जा रहे हैं। ये देखिए एक तरफ से पूरी तरह से सिक गए हैं ये सारे ही। तकरीबन पलट लेंगे हम 1 मिनट के बाद। हम दूसरी तरफ से भी इन्हें चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से हो गए हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे। सूजी के अप्पे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। हम इन्हें खाएंगे चाट मसाला ऊपर से डालकर। यदि आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।